ना ये हाइपर थायरॉयडिज्म, जिसमें थायरॉयड हार्मोन की मात्रा खून के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ये बहुत 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 कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे पेशेंट्स को वीकनेस लगता है, टायर्डनेस लगता है, कुछ भी काम करने लगते हैं तो थक जाते हैं, उनके मसल्स दर्द हो जाने लगते हैं, थोड़ा बहुत भी अगर काम करने लगते हैं तो थक जाते हैं, उनको लगता है कि बस अभी मुझसे नहीं होगा, काम नहीं कर पाएंगे, ऐसे लगता है। उनके बाल काफ़ी झड़ने लगते हैं, सीने की धड़कन तेज़ हो जाती है, ऐसे लगता है कि बस थोड़ा बहुत भी कुछ काम करेंगे तो सीने की धड़कन धड़ धक 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 ऐसे होता है। उनको कोई बड़ा आवाज़ सुन लेते हैं तो अचानक से दिल की जो गति है वो तेज़ हो जाएगी, बाल झड़ने लगेंगे, और ये पेशेंट्स बहुत चिढ़ जाते हैं, बहुत आसानी से चिढ़ जाते हैं, छोटी मोटी गलतियों पे भी चिढ़ जाते हैं या फिर छोटी मोटी चीज़ों पे रो देंगे। तो ये जो सिम्टम्स हैं एकदम टिपिकल हाइपर थायरॉयडिज्म के हैं। ऐसे पेशेंट्स खाना वगैरह ठीक ठाक खाते हैं, फिर भी इनका वजन बढ़ता नहीं है, उनका वजन घटता है, घटते जाता है, और इनको पसीना काफ़ी ज़्यादा आता है, पसीना काफ़ी ज़्यादा रह सकता है। तो ये जो भी सिम्टम्स हैं सभी के सभी हाइपर थायरॉयडिज्म के हैं, मतलब जिनमें थायरॉयड हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होती है। ऐसे पेशेंट में TSH जो थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो कम हो जाता है, और फ्री T3 या फिर फ्री T4 ये बढ़ जाता है। इसको हम आसानी से ट्रीट कर सकते हैं, आपको किसी फिजिशियन को या फिर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए ताकि इन्वेस्टिगेशन होके इसको हम कम्प्लीटली ट्रीट कर सकते हैं या फिर कम्प्लीटली अच्छा कर सकते हैं, ताकि जो भी हेयर फॉल है, बाल झड़ना है, चिड़चिड़ाहट है, सीने के धड़कन तेज हो जाना है, वजन कम होना है, पसीना ज़्यादा आना है, ये सभी के सभी सिम्टम्स ठीक हो सकते हैं। थैंक यू।